एक आदमी लाएगा, धोएगा, बीनेगा, पछोरेगा, उसके बाद सुखाएगा, तब जाके उसको भूजेगा, तब जाके वो तैयार करेगा। जितनी तिल्ली उतनी ज्यादा खुदामत होती है, लोगों को लगता है बड़ी कमाई है, लेकिन जब करते हैं तब समझ में आता है। कोई भी काम भाई मेहनत वाला तो है ही सब, मेहनत के बीच 10 रुपया कमाते हैं, इसमें किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं होता। आदमी ये एक तरह से घरेलू उद्योग है छोटा सा। तो ये है इसमें लाइव पट्टी का जो है कि चल रहा है धंधा, इसमें बहुत मंदा चल रहा है, लोग सही नहीं चल रहा है। कैसा दुकान उकान चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है। बहुत मंदा चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा है, तो पहले जैसा नहीं चल रहा है। देख नहीं रहे आप तो, सामने आप दिख रहा है। हाँ तो अभी तो अभी 4-5 दिन बाकी है। कैसे कैसे है चूड़ा वाला? ये वाला चूड़ा एक कतरनी है 60 रुपया किलो, वो 50। और लाई कैसे चल रहा है? 60 रुपया। 60 रुपया। हाँ ये जो है कि गुंडा उंडा ये 80 रुपया। ये गुंडा 80 रुपया, 80 रुपया किलो। और ये सब अच्छा है कैसे? 125। 120। 120। और ये सब कैसे किलो है? ये 140 है। 140। और वो सब बादाम वाला? बादाम वाला 160 है, 200 है। बाज़ार सही नहीं चल रहा? नहीं, ज़बरदस्त नहीं चल रहा, जैसे पहले चलना चाहिए। हाँ। कैसा काम चल धंधा चल रहा है आप लोग का? चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ जो बीते बढ़िया है, कोरोना आने से पहले ही काम खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। और ये मीठा वाला कंगनी भी किस चल रहा है? ₹80 है। क्या नाम है आप लोग का? आपका क्या नाम? संजय यादव। संजय यादव। आज चना वना कैसे बेच रहे हैं? 120 रुपये। हाँ भैया नमस्कार। बाजार जो कैसा चल रहा है आप लोग का? बाजार हवाई तो नील बड़ा सन्नाटा हो जब उठी तो देखा जाएगी। अच्छा सही नहीं चल रहा है बाजार में? कोई भी देता बस लगाओ लगा लो। अच्छा निकल गया तो भगवान भरोसे। बहुत बढ़िया मार्केट है, बाजार में तेजी नहीं हो, बाजार जो चलना चाहिए बाजार वैसी कुछ नहीं है। कोरोना के चलते बाजार एकदम दब गई है। चलिए तो दहशत में है, कोरोना बढ़ने से पहले आप लोग रिस्पांस मिल जाए, कोरोना तो बाद में आएगा, लेकिन वो तो भगवान की मर्जी है, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि पहले लॉकडाउन में हर आदमी की जेब ढीली हो चुकी है और हर आदमी सहमा हुआ है, इसलिए दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहता, चाहे वो मिडिल क्लास का कोई भी आदमी क्यों ना हो। स्टॉक भी कब रखना चाहता है? स्टॉक है ही नहीं है, देख सकते हैं अंदर से बाहर तक स्टॉक कुछ नहीं है, जो है वो है। हर साल का 25% दाम भी इतना ज़्यादा दाम बढ़ा के बेच भी नहीं सकते मार्केटर हिसाब से, महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ा है। जो चीज़ महंगाई की मार पड़ी है वो हिसाब से तो रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ जैसे पट्टी उट्टी जो है, जैसे पट्टी रेट है वही जो रेट चल रहा है मार्केट में। पहले 60 रुपया था, कितना था ये रेट इसमें चल रहा है ये वाला? हाँ इस साल बढ़ा है भैया। कितना दाम हुआ? 20 रुपये किलो बढ़ा है, मतलब 180। हाँ रीज़न है उसको बढ़ने का, क्योंकि भैया देखिए अगले साल के हिसाब से तिल भी महंगा हुआ है, गुड़ भी महंगा हुआ, लेबर चार्ज की मार पड़ी है हर आदमी पर।
तो वो सारी चीज़ें जब महंगी होती है कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है तो महंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए। नाम हनुमान जी है। चलिए बहुत भयंकर नाम भी, अच्छा नाम भी है आपका। वो प्रभु की देन है, लोगों ने रखा, मैंने नहीं रखा। अच्छा, नहीं नहीं सही है, माता पिता ही रखेंगे ना। आइए, काला लत्तीर किस चल रहा है? काला तिल वाला 240 रुपये किलो चल रहा है। आज भी दाम बढ़ा है, बहुत मगजमारी होती है भैया, बहुत। इतना एक आदमी लाएगा, धोएगा पीनेगा पछोरेगा, उसके बाद सिखाएगा, तब जाके उसको पूजेगा, तब जाके वो तैयार करेगा। जितनी तिल्ली उतनी ज़्यादा खुदामत होती है। लोगों को लगता है बड़ी कमाई है, लेकिन जब करते हैं तब समझ में आता है। हाँ, कोई भी काम भाई मेहनत वाला तो है ही है सब। मेहनत के बूते 10 रुपया कमाते हैं, इसमें किसी कंपनी का प्रोडक्शन नहीं होता। आदमी ये एक तरह से घरेलू उद्योग है, छोटा सा। हाँ हाँ, बस तो ये है जिसमें लाइव पट्टी का जो है। मार्केट सच गलत है, खींच रही फोटो, मार्केट सच गया है, फोटो खींच रहा है। मार्केट तो इतना आ रहा है कि हमको तो लग रहा है मिर्गी ना आ जाए, ऐसा हो रहा है। ये दुकान से मतलब है कि मार्केट से मतलब है? मार्केट है तो ही है। अब चार दिन रह गल है तो चार दिन रह गल है चार दिन रह गल लेकिन कोनो फायदा ना है भैया, क्या करें ना, कुछ समझ में ना आए। हम होता पैसा पर साल से एक साल में बहुत अंतर है, बहुत काफ़ी अंतर है। दुकानदारी मार्केट है, मार्केट डाउन चल रहा है, मार्केट एकदम खत्म है, इतना ज़्यादा बाजार एकदम है ही नहीं। दो साल से खराब कर रहा है। हाँ, लोग ही धंधा कर रहे हैं, कभी धंधा कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि अब यार हाल चाल क्या है? ठीक है, मार्केट तो सही चल रहा है कि नहीं? बहुत डाउन चल रहा है। अरे में कैसे चल रहा है दूध बेटा? लाइव है भाई, लेके आइए, देखिएगा। आप ऐसे लगाइए, हम देख भी चाहे बस जो क्वेश्चन बता दो, बस मार्केट कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रही है, बैठे रहा मार्केट अभी थप है मान लीजिए, होता सही नहीं चल रहा ना। कोई जब सीजन रहेगा बनाएंगे। कर लो
बाजार से कैसा मार्केट चल रहा है यार, बताओ कुछ। मार्केट बहुत डार है, मस्त है ना, बेकार है, बढ़िया नहीं चल रहा। मार्केट भी डाउन है, फिर मौसम भी खराब है। हाँ मार्केट भगवान अलग से मार्केट है, सरकार की मार अलग से है, क्या करोगे। 9 बजे दुकान बंद करवा रहे हैं। हाँ कर्फ्यू बढ़ रहा है, कर्फ्यू बढ़ रहा है। मतलब मजा नहीं है मार्केट में। मजा नहीं एकदम, पैसे पैसा महाजन के दिए भगवान जाने। हाँ सही बात है, ले दे काम करता है, गरीब कहाँ पाएंगे। तो इस समय झुंडा उंडा कैसे चल रहा है? झुंडा 70 रुपया चल रहा है, लाई 40 रुपया, 50 रुपया चल रहा है। पट्टी जो है 100 रुपया, 120 रुपया चल रहा है। गरम गरम हम लोग कम बेसी करके हटा दे रहे, माल खाली हो जाए। नहीं नहीं सही बात है, पैसा निकल जाए, पैसा निकल जाए, महाजन का रकम खाली हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद देखा जाएगा। कैसा है मार्केट? एकदम बेकार, बाजार बहुत डाउन है। तो सब खुदा बदली हो गया, बदली भी हो गया ऊपर से, मौसम भी सही नहीं है, और दुकान वकान तो समय पर भी खुल ही रहा है सबका। तो पट्टी उट्टी कैसे दे रहे हैं सब? कैसा रेट, कई क्वालिटी? 140 का किलो, 140, 120, 120 से लेकर 400 रुपये तक का पड़ रही है। कैसा रेट? 400 किलो वाला कौन सा है? अच्छा मतलब अखबार में आएगा का? हाँ अखबार में भी आएगा, टीवी में भी है। ये बर्फी है, कैसे किलो है ये? 300 रुपये किलो। हाँ भैया बोलिए। 1 किलो लेना। हाँ 1 किलो। ये 300 रुपये किलो बर्फी है। तो और भैया मार्केट कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक है। आप लोग का दुआ आशीर्वाद है। इतना मार्केट तेज पकड़ा नहीं है लेकिन, अभी नहीं पकड़ा है, बाकी सही चल रहा है। भैया का फोटो रहे तो किस मजा किस अब मार्केट कैसा चल रहा भैया इस समय? सही चल रहा है ना। चलिए तो ना बढ़ने से पहले त्यौहार खत्म जाते बढ़िया। ये सब झुंडा उठा कैसे है? 80 रुपये किलो भैया। 80 रुपया। और सब पट्टी उट्टी? पट्टे 100 रुपये किलो है। अच्छा बादाम। और ये वाला तिल वाला गुड़? 60 रुपये किलो। और ये 50 रुपये किलो। 50 रुपये। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सरी केसरी पड़ेगा। वर्ल्ड लाइफ लाइन है, मोबाइल दीजिए आपका, सब्सक्राइब कर देखिएगा अपना। Thank you.
हाँ गुन्नू क्या चल सीख ये है मरवाड़ी मार्केट दोस्तों, काफ़ी यहाँ बिक्री बहुत बढ़ रहा है, काफ़ी लोग ले रहे हैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। हाँ भैया नमस्कार नमस्कार। पचास नहीं बोले आज का रकम दिए, हम उसको नहीं बोले उसको सर काम हो जाता है। हमारे यहाँ सब हिस्सा लगता है, सभी चीज़ों का, चाहे पूजा पाठ का हो चाहे खाने पीने का। किला कैसे चल रहा भैया, पट्टी कैसे पट्टी चल रही है? पट्टी 140 रुपया, 120 रुपये। अच्छा अच्छा, पार्टी के ऊपर। और ये सब जो है कि गुड़ गुड़ आपका 55 रुपये, 60 रुपये। आई सफ़ेद वाला तीन भैया, सफ़ेद आपकी 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो है। और ये जो है कि ये मूंग, ये वाला जो है रामदाना 120 रुपये, 120 रुपये। रेडीमेड भी जो है सब कितने किलो, 12 ये सब जो रेडीमेड अलग अलग रेट है, अलग अलग है। तब तो 140 का आधा किलो। नहीं नहीं नहीं, 450 ग्राम है आपका, 110 रुपया है, 100 रुपया है। बाजार कैसा चल रहा है इसमें? करोना का सर है, इससे पूछिए कुछ करोना का सर है, क्या है क्या नहीं है, लोग सब बताएंगे। ये भी प्रोडक्शन करता है। अच्छा, क्या अच्छा। रखा है यार का। हम लोग का भी वीडियो भेजेंगे। हाँ भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? ये वर्ल्ड लाइफ लाइन भेज रहे हैं, बाजार ढूंढे मार्केट का, मार्केट देखते हैं। अरे ढूंढा मार्केट का, हमारा भी हो जाएगा। आपका कैसे हो जाएगा? हैं आपका क्यों होगा? अरे ढूंढा मार्केट खरीदने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया ढूंढा मार्केट इनका है, ढूंढा इंटेक्ट का।
अरे पंकज रेट रोड बता दो भाई, किससे है ये सब? 800-900 से कम खड़ी रही। इसका रेट कैसे है? चार पीस, छः पीस वाला है ना? छः पीस वाला तो ढाई 300 का आता है, 350 का है। पंकज रेट बताओ। 300 का नहीं, 400 का। क्या रेट है? क्या चीज़? ये 100 रुपये डब्बा है गुरु जी। और बादाम वाला? बादाम पट्टी 100 रुपये किलो। अच्छा, इलाई वाला? इलाई वाला 80 रुपये। आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।